नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। जब भी हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके पाठ्यक्रम की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए पाठ्यक्रम की तैयारी करने के पूर्व 2 से 3 बार अच्छे से पढ़े और याद कर ले। उसके बाद पाठ्यक्रम के अनुसार कौन कौन से बुक आपके तैयारी के लिए अच्छा हो सकता है उसे ढूँढे और बारी बारी करके पढ़े, और पढ़े गए तथ्यों को हफ्ते में एक बार जरूर दोहराए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा मंत्रालय के लिए चपरासी भर्ती निकाली गई है। इसके लिए योग्यता 8वीं पास मांगी गई है, तो प्रश्न पूछने का स्तर भी 8वीं तक के स्तर का होगा। आपको पुस्तक को गहराई से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ से आधारभूत प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे महामाया मंदिर कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ के जलप्रपात कौन से हैं और कौन सा बड़ा जलप्रपात है। बेसिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन कौन पुस्तक से आप तैयारी कर सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ के लिए आप अरिहंत, मुस्कान या हरिराम पटेल, तीनों में से कोई एक बुक प्रिफर कर सकते हैं। भारत के लिए लुसेंट काफ़ी रहेगा। इंग्लिश में आप परफेक्ट बुक प्रिफर कर सकते हैं। गणित के लिए आर्यभट्ट, या आपके पास गणित के लिए जो भी बुक है उससे आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको 6वीं से लेकर 8वीं तक SCERT बुक, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और इंग्लिश पढ़ना है, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल विनय स्टडी कैन 2.0 से जुड़ना चाहते हैं, PDF लेना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सकता। फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। फटाफट कमेंट करके बताइएगा सही जवाब क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता थी, तो नहीं पूछा गया है, इसलिए ग्रीक की सभ्यता सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन दिया है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकांगे डोर तक फैला हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ऑप्शन ए सुरकोटदा, वड़ावली, मांडा, कालीबंगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में स्थित है।
निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए सेलखड़ी, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। फटाफट इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सेलखड़ी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से कांस्ययुगीन सभ्यता थी, तो ऑप्शन ए सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजाति। हड़प्पा सभ्यता के निवासी नगर में निवास करते थे, इसलिए शहरी ऑप्शन भी सही होगा। हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार से विकसित नगरी सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी लकड़ी से। सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे, तो ऑप्शन डी सही होगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहन जोदड़ो। इसका सही जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसका सही जवाब होगा लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई है? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चौहंदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लोथल। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। धन्यवाद।